तो वेलकम, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि जो NPTEL का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिजल्ट आज निकल चुका है। तो 12 तारीख इवनिंग को वो रिजल्ट निकला है और हम देखेंगे कि कैसे रिजल्ट चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वेबसाइट में रिजल्ट निकलता है। तो पहले हम जाएंगे स्वयं NTA, ठीक है। और उसके बाद तो ऊपर जो लिखा है ना, स्वयं .NTA.ac.in, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद एक इंटरफेस खोलेगा, उसको डाउनलोड स्कोर कार्ड, ठीक है। तो जब डाउनलोड स्कोर कार्ड में हम क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ईमेल एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी है ईमेल आईडी, मैं यहाँ पे ईमेल आई डालता हूँ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन फेल, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा गलत हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ हम जब डालेंगे ना तब ये खुलेगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि ये सिर्फ स्कोर कार्ड ही आया है, तो अभी रिजल्ट नहीं, मतलब अभी रिजल्ट सिर्फ स्कोर कार्ड आया है और कुछ दिन बाद शायद आ जाएगा वो क्या, मतलब वो जो है ना सर्टिफिकेट, जो भी पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट सब आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या इसमें क्या लिखा है थोड़ा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम पेम, वो डेट ऑफ बर्थ सब लिखा है। और ये जो है ये साइबर सिक्योरिटी का है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 30 को हुआ था, सॉरी अगस्त 30 को हुआ था, अगस्त 30 को हुआ था, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कि 100 में से 42 आया है, ठीक है। तो नोट में क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन इंडिकेटेड एज मेंशन बाय हिम और हर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लेटर। मतलब वेरीफाई होने के बाद, ये तो फाइनल नहीं है ना, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ स्कोर कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन हो गए, वो फाइनल जो है वो सर्टिफिकेट आएगा जो पास किए होंगे, ये सिर्फ स्कोर कार्ड है। उसके बाद क्या लिखा है, कैंडिडेट इफ फाउंड सबमिटिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और टैम्परिंग विद द स्कोर कार्ड विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयरिंग, मीन्स हिज और कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। मतलब ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है, अगर कोई टैम्परिंग स्कोर कार्ड हुआ व अनफेयर मीन्स हुआ तो इसका रद्द किया जाएगा उसका स्कोर कार्ड, ठीक है। तो थर्ड में क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट प्रिजर्व द स्कोर कार्ड टिल द रिजल्ट प्रोसेस इज कम्प्लीट। मतलब ये जो स्कोर कार्ड आपको अपने पास रखना है तब तक जब तक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद क्या है, फाइनल स्कोर्स और सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन बाय रेस्पेक्टिव नेशनल कोऑर्डिनेटर। मतलब क्या है, फाइनल स्कोर जो है वो आपका रेस्पेक्टिव नोडल सेंटर में से इश्यू होगा और ऑनलाइन आपका आएगा, जैसे ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ गुड करके, ठीक है। हम और एक भी वीडियो बनाएंगे जब आएगा फाइनल रिजल्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, थैंक यू।